मैं आप लोगों को आज समोसा बनाने की विधि बता रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि समोसा कैसे बनाया जाता है। एक कुकर लीजिए, कुकर में आलू, कुछ आलू डालिए अपने आवश्यकता अनुसार। उस आलू को बॉयल कीजिए और बॉयल होने के बाद छीलिए उसको। और उसके बाद देखिए, हम आपको दिखाते हैं। इस आलू को इसी तरह से छील के और बहुत ही अच्छे से बारीकी से इसको गूड़िए, छोटा छोटा मेही मेही टुकड़ा को इस तरह से। और इसमें अच्छे अच्छे चीज को देने के लिए देखिए, इस तरह से मूंगफली को फ्राई कर लीजिए, कुछ मूंगफली जो इसमें दिया जाए समोसे में। और ये प्याज और तेल के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई, यानी लाल होने दीजिए। और ये लाल होने के बाद हम आपको बताते हैं फिर इसको करना कैसे है। ये मैदा हुआ, जिसको मैंने मैदा को गूथा है, और इस तरह का गूथिए जिससे उंगली घुसाएं तो एकदम सॉफ्ट से आराम से चला जाए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। जी, ये मैदा है। और इसमें जो है आपको ये काला वाला जो देख रहे हैं, इसे मंगरेल कहा जाता है। मंगरेल दे दिए, हल्का नमक दे दिए ताकि यह टेस्टी हो। और इसको देखिए, हम फिर बेलेंगे और फिर बनाएंगे। अब देखिए, हम आपको इसको बेल के दिखाते हैं, है ना। और ये थाली पे ही बेला जा रहा है ना। और अब देखिए, मैंने इसे बेल लिया साइज के अनुसार। अब मैं इसे काटूंगा दो भाग। देखिए, मैंने इसे काटा, इसे दो भागों में मैंने बांटा, और इस तरह से, है ना, एक पे रख दिया। इसके आगे मैं मसाला देता हूँ। इस तरह से आप लोग मसाला बना ले। मसाला बना हुआ है, उसके बाद जिसे हम लोग कढ़ाई कहते हैं, लोहिया, उस लोहिया में आप घी भी दे सकते हैं, तेल भी दे सकते हैं, रिफाइन भी दे सकते हैं। मैंने रिफाइन दिया है, फॉर्चून का रिफाइन है, और इसे मैंने गर्म करने के लिए दिया है। इसके बाद मैं आपको देखूंगा, आप लोग देखोगे इस तरह से ये चीज़ बनना प्रारंभ हुआ है उस शेप में। और इसमें मसाला डाले जाएंगे, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। इसी तरह से बनाते हैं। आपको मैंने बताया था कि इस तरह से मैंने काटा है। एक रोटी का शेप ले लो, एक सर्कल का शेप ले लो, उसे दो भागों में सेमी सर्कल में बांट दो, और उसके अंदर, उसके बाद फोल्ड करो, और उसके अंदर उस हिसाब से आप हाथ नहीं डालना चाहते हो तो आप आराम से चम्मच का इस्तेमाल करो और इसमें डालो। और आराम से देखोगे, इन्होंने डाला और हल्का पानी का आश्रय लिया ताकि वो एक दूसरे में चिपक सके। और देखिएगा, इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, धीरे से आराम से ऐसे करते हुए इसी तरह से आप लोग भी बनाओगे। और ये समोसा का सेट घर का, मेड इन इंडिया, है ना, मेड इन होम। और ये देखिए, समोसा का शेप लिया, और इसी तरह से मैं बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अब मैंने इसे रिफाइन में देखा, मैंने कि बहुत ज्यादा हीट है, और उस हीट अनुसार इस समोसे को मैंने उसमें छोड़ा। और ये समोसे धीरे धीरे लाल होंगे, पकेंगे, सीझेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इतने अलग सारे समोसे, समोसा का एकदम पूरा प्रकार मैंने कर रखा है आप सबों के लिए, ताकि ये आप लोग नहीं कह सकें कि आपने बनाया तो भेजा क्यों नहीं। मैं आप सबों के लिए पार्सल कर रहा हूँ। जितने वीडियो का आप लोग शेयर करोगे उतने समोसे आपके पास पहुंचेंगे। देखिए, वो उसे निकाल के मैंने इस पे रख दिया। देख रहे हैं आप, एक हीट हो रहा है और दूसरा यहाँ पे निकल गया, ठीक है। और अब इसे मैं टेबल पे पेपर में सजाऊंगा और आप लोगों तक मैं भेजूंगा। देख रहे हैं इधर, और अब आप लोग देखेंगे इस तरह से आप सजा सकते हैं अपने अपने टेबल पे, और इसका आनंद ले सकते हैं जैसे मैं अभी आनंद लूंगा आप लोगों के सामने में। ये रहा, इसे मैंने तोड़ा और मैं इसे खाऊंगा, और खाते समय मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं खा लूं, उसके बाद फिर
आप लोग इसे शेयर करें और बहुत ही अच्छा देख रहे हैं चटनी। अब आपको जो भी सॉस जिस तरह का चटनी की आवश्यकता पड़े आप अपने अनुसार ले सकते हैं। मैंने टमाटो सॉस लिया है और प्याज का कुछ मिक्सचर उसमें मिला हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे LCS YouTube चैनल पर जुड़े रहें। आप सबों का दिन और रात मंगलमय हो। लॉकडाउन, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने हाथ का निर्मित इस तरह के समोसे को खाते रहें।